और इसी बीच आपको बरेली से बड़ी खबर बता दें। बरेली में फूटा फिर कोरोना बम, शहर में मिले 10 कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस की संख्या 80 हो चुकी है, सीमो डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ला ने दी जानकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, बरेली में फूटा फिर कोरोना बम, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं बरेली में। एक्टिव केसों की संख्या 80 हो चुकी है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं मरीज, सीएमओ डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ला ने दी है जानकारी। बड़ी खबर बरेली से, जहां पर फिर फूटा कोरोना बम, लगातार बढ़ते जा रहे हैं मरीज, कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है बरेली में। एक साथ 10 नए मामले सामने आए हैं, एक्टिव केस की संख्या 80 हो चुकी है, सीएमओ डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ला ने दी जानकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज, फिर फूटा है कोरोना बम, एक साथ 10 नए मरीज सामने आए हैं, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, शहर में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फजलुर रहमान हमसे जुड़ चुके हैं। फजल, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, एक साथ 10 नए मरीज सामने आए। बरेली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, नए 10 पॉजिटिव मरीज पाए गए और संख्या 125 पहुंच गई है, जिसमें 140 सही मरीजों को डिस्चार्ज हो चुके हैं, 9 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और 4 दिन से लगातार 4 मरीजों की मौत हो गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पूरी तरीके से लोग अपने घरों से भी अब नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अब लोकल के ही लोगों को कोरोना पाया जा रहा है, जो कि जांचों में साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि जो लोग पहले प्रवासी थे उनको ही कोरोना होता था, अब जो रहने वाले शहर के हैं या ग्रामीण क्षेत्र तहसीलों के हैं, वहां पर कोरोना अपना पैर पसार रहा है। फजल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी कोशिश में लगा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, इसके चलते भी कोरोना अपना काम पूरी तरीके से अंजाम दे रहा है, क्योंकि कोरोना भी अब तक शुरू हो गया है और कई रियायतें दे दी गई हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, किस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है और क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? प्रशासन, जहाँ प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार मास्क का प्रयोग कहता हुआ लोगों को नजर आ रहा है, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको भी चालान लगातार 100 से 200 रुपए का काटा जा रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं, लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं भी कोई भी ध्यान नहीं रख रहा, लगातार दुकानों पर भीड़ लगी है। फजल, यही बड़ा सवाल है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं? लगातार शासन और प्रशासन लगातार अपनी मुहिम चला रहा है, लगातार लोगों को, यहाँ तक कि जो चीता मोबाइल है वो लगातार लोगों को डंडे मारते भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं, मास्क तो लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से लोग ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। फजल, एक साथ जो 10 नए मरीज सामने आए हैं वो जिन एरिया के, क्या उन एरिया को सील कर दिया गया है, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, सैनिटाइजेशन का कार्य कैसे किया जा रहा है? ये जो 10 मरीज नए निकले हैं इसमें तहसील के मरीज हैं, क्योंकि जो तहसीलें हैं बरेली की 4 तहसीलें उनमें ये कोरोना का फैल जारी है और वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को सैनिटाइजर किया जा रहा है और उनके घरों को भी सैनिटाइजर किया जा रहा है, लोगों को चेकिंग भी की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों की जांचें भी कर रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए फजल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, एक साथ 10 नए मरीज सामने आए हैं। बता दें कि जिस एरिया से ये मरीज सामने आए हैं उस एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया है।